हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गराने लिखे हुए हैं और उनके आगे प्रवर्तक हैं जिनको मैंने आपको याद करवाना है। चलिए देखते हैं। दिल्ली घराना जिनके प्रवर्तक हैं सदारंग खां, और ये विशेष ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे हैं जयपुर घराना के मनरंग खां। दोनों आपको एक ही स्टोरी से याद हो जाएंगे। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक पति है जो कि बोल रहा है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि सदा मैं तुझे रंग बिरंगी साड़ियां लाके दूं। अब ऐसा कौन सा पति होगा जिनके मन में ऐसा ख्याल भी आएगा? तो ऐसे पति की तो बीबी क्या करेगी, जय जयकार करेगी। तो यहां से आपको याद हो जाता है कि पति के दिल में, दिल से याद रहेगा दिल्ली घराना, पति के दिल में ख्याल आया तो ख्याल गायकी याद रहेगी, ये फेमस है। पति के दिल में क्या ख्याल आया कि मैं सदा तुझे रंग बिरंगी साड़ियां लाके दूं। सदा, सदा मतलब हर रोज, तो सदा तुझे रंग बिरंगी, रंग बिरंगी से सदा रंग, दोनों याद हो जाएंगे आपको, वर्ड सदा और रंग। तो सदा रंग खाएंगे क्या है, परिवर्तक है। अब जो ऐसा पति होगा जिसके मन में ऐसा ख्याल आएगा तो मन से मन रंग खां, उनकी बीबी क्या करेगी, जय जयकार करेगी। जय जय से क्या याद रहेगा, जयपुर घराना के कौन प्रवर्तक है, मनरंग खां। वैसे जो मनरंग खां है उनके पुत्र थे, तो दोनों आपको क्या याद हो जाएंगे, एक स्टोरी से याद हो जाएंगे और ये टिक लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका पटियाला घराना जिसके प्रवर्तक है फतेह अली व अली बख्श, कैसे याद करेंगे? देखो फतेह अली और अली बख्श में दोनों में आपको क्या मिल रहा है, अली अली मिल रहा है, दोनों में ही क्या है, अली है। और पटियाला में पीछे क्या आता होता है, पटियाला आला, तो पीछे क्या आता होता है, आला। यहां पे आता होता है पटियाला में आला, और आला से क्या बन जाएगा, अली अली बन जाएगा। यहां पे अगर देखें तो आला से आली, आली से अली अली, तो दोनों के दोनों आपको याद रहेंगे, जिसमें अली आ रहा है मतलब कि वो कौन से प्रवर्तक है, पटियाला घराने की। नेक्स्ट है आपका मेवाती घराना जिसके प्रवर्तक हैं गग्गे नजीर खान। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरा दोस्त सामने से आ रहा था, तो मैंने बोला वाह क्या बॉडी बनाई है, क्या खाते हो रोज? तो वो बोला बस बस नजर मत लगा दिया। तो मैंने पूछा फिर भी बताओ तो सही क्या खाता है? तो वो बोला मेवे खाता हूं, बादाम पिस्ते काजू, आपके तरी मैं नशे तो नहीं करता। मैं भी नशे नहीं करता, मेरा मत समझना कोई और दोस्त है जो किसी दोस्त से पूछ रहा था। तो चलिए देखते हैं यहां से हो जाएगा आपका याद कि वो क्या बोला था कि क्या बॉडी बनाई है, क्या खाता है। तो वो बोला मेवे खाता हूं, नजर मत लगा देना। तो नजर से कहां से याद रहेगा आपको, गग्गे नजीर खां में आपको नजर आ रहा है, तो नजर से आपको पकड़ में आ जाएगा। और उधर से किसको पकड़ना है आपको, मेवे को, क्या खाता है वो, मेवे खाता है, बादाम पिस्ते काजू खाता है, नशा नहीं करता, तो बॉडी बन जाएगी उसकी, तो ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्लादिया खां घराना जिसके प्रवर्तक हैं अल्लादिया खां। तो जो प्रवर्तक थे उन्होंने अपने नाम पे ही अपना क्या बना लिया, घराना बना लिया, तो ये तो सिंपल ही आ जाएगा, अल्लादिया खां से अल्लादिया खां घराना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अतरौली घराना साहब खां। अब इसमें स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक आदमी है जो किसी कंपनी में गया, वहां पे जब ऑफिस में वो पहुंचा जॉब लेने के लिए, तो वहां पे एक आदमी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर कुछ बुक्स को साफ कर रहा था कपड़े से। तो जैसे उसने एंट्री की आदमी ने, तो वो बोला ए उतर नीचे जा अपने साहब को लेके आ। तो कुछ टाइम के बाद वो आदमी ने नीचे उतरा, सारे अपने कपड़े थोड़े सेट किए और बोला हाँ जी बोलिए मैं ही यहीं का साहब हूं। तो आदमी क्या हो गया, आदमी तो जॉब लेने आया था, उसकी तो निकल पड़ी। वो क्यों बोला सॉरी साहब मुझे कपड़ों से धोखा लग गया कि मुझे लगा आपका कोई नौकर वगैरह होगा यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। वो उसके बाद वो जो बॉस था वहां का, उसने उसको बताया कभी भी किसी के कपड़ों से उसकी हैसियत के बारे में आप मत जानो कि वो क्या होगा क्या नहीं, कपड़ों से कभी भी पहचान मत करो, अगर पहचान करनी है तो उसकी नॉलेज से
और उसके तरीकों से करो कि वो क्या करता है, कैसे टाइम बचाता है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आदमी को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं भी पहले क्या था, गरीब था, मिडिल क्लास था, अभी थोड़ी क्या बनी है, कंपनी बनी है। तो इतना उसको समझाया, ज्यादा लेक्चर हो रहा है तो देखिए इधर, लेक्चर ज्यादा हो रहा है तो यहां से आ जाएगा। वो आदमी आया, उसने क्या बोला था, उतर नीचे, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर चढ़कर बुक साफ कर रहा था ना, तो उतर नीचे, उतर से अतर आ जाएगा। ए को आप क्या बना लेना, कू बना लेना। तो उतर नीचे अपने साहब को बुला, साहब से साहब खा याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका बीन का घराना, जिसके प्रवर्तक हैं रज्जब अली। इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि बीन हम कब बजाते हैं। बीन हम नहीं बजाते, वैसे तो जो जोगी वगैरह होते हैं वो बजाते हैं। तो बीन कब बजाते हैं, जब किसी सांप को बेल में से निकालना हो, या कहीं पे वो छुप गया हो उसको बाहर निकालना हो, तो बीन बजाते हैं। कब बजाते हैं, जब सांप को निकालना, कब, जब। तो जब से क्या याद रहेगा, रज्जब में क्या आ रहा है, जब आ रहा है, रज्जब में क्या आ रहा है, जब आ रहा है, तो यहां से ये टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका सितार का सेनिया घराना, जिसके प्रवर्तक है सूरत सेन। अब सितार में देखो आपको कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सै, तै और रे। और सूरत में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सै, रे और तै। मतलब उसमें तो क्या आ रहा है, सितार में तो सै, तै और रे आ रहा है, और सूरत में क्या आ रहा है, सै, रे और तै। तो दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों में सेम व्यंजन आ रहे हैं, तो ये तो टिक लग जाएगा कि दोनों में सेम व्यंजन आएंगे, तो टिक लगा देंगे हम। नेक्स्ट है आपका डागर घराना, जिसके प्रवर्तक हैं बहराम खान डागर। अब एक टीचर है जो कि अपने विद्यार्थियों को कुछ लिखवा रहा था, स्टूडेंट्स को, तो उसने बोला लिखो डागर। अब जब भी कोई ऐसे डागर बोलेगा तो हमें तो यही सुनेगा ना कि डाकघर बोला है। तो ऐसा ही किया किसने, स्टूडेंट्स ने डाकघर लिख लिया। जब टीचर ने देखा उनकी नोटबुक में कि उन्होंने डाकघर लिख लिया, तो उसको गुस्सा आया। वो क्या बोला, बहरे हो क्या, मैंने बोला है डाकघर लिखो। तो यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा कि डाकघर बोलेंगे तो आपको साउंड आएगा डाकघर बोला है, तो वो क्या बोलेगा, बहरे हो गए यार, मैंने डाकघर बोला था। तो यहां से आ जाएगा आपका डाकघर से बहरे से बहराम खान डागर जी, इनके क्या थे, प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है आपका कथक का जयपुर घराना बानू जी। ये जो कथक करते हैं, कितने हाथ पैर अपने हिलाते रहते हैं ना, पता नहीं थकते, पता नहीं क्यों नहीं है। आपने देखा होगा कथक करते हुए कितनी जल्दी से घुंघरू बांधे होते हैं, इतनी जल्दी से हिलाते हैं सब कुछ, हाथ पांव इतनी जल्दी से करते, थकते भी नहीं है। हमें तो कुछ बाण ही नहीं है इनका, ज्ञान ही नहीं है कथक का। हम तो सिर्फ जय जयकार करते हैं कि बढ़िया हो गया, बढ़िया चल रहा है, हमें तो कुछ बाणी नहीं है ना। तो यहां से आपको हो जाएगा याद कि कथक वाले थकते नहीं है, कथक में थक आ रहा है, कथक वाले थकते नहीं है, पता नहीं क्यों, हमें तो कुछ बाणी नहीं है। तो बाण से बानू जी आ जाएगा, हम तो सिर्फ जय जयकार करते हैं, ऐसे जयपुर घराना भी याद रहेगा और ये टिक लग सके। ये आपके कुछ घराने थे जिनके प्रवर्तक मैंने आपको याद करवाए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।